हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है ऋतिक और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो टारगेट है वो हम ये बताने वाले हैं कि जोमेटो में काम करके एक दिन में कितना कमाया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास जो है वो साइकिल वाली आईडी है, तो साइकिल वाली आईडी से एक दिन में कितना कमाया जा सकता है, तो ये सब देखने के लिए वीडियो पर बने रही है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज फिर से उसी भाई के पास ऑर्डर लग गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे। तो आज हम दिखाने वाले ये हैं कि एक दिन में कितना रुपया कमाया जा सकता है जोमेटो से काम करके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी जो है वो मिल सके। तो दोस्तों, अभी दूसरे ऑर्डर के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि साइकिल से जोमेटो पे काम करके एक दिन में कितना रुपया जो है वो कमाया जा सकता है। आज वैसे ज़्यादा कुछ खास वो तो रहता नहीं है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में साइकिल से जोमेटो पे काम करके कितना तक कमाया जा सकता है। और मैं अभी 12:30 बजे के करीब आया हूँ, लॉगिन हुआ हूँ, और देखते हैं आगे आपको अपडेट जो है वो देता रहूँगा कि एक दिन में हाइएस्ट कितना कमा सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्क्रिप मत कीजिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो देखते हैं, अभी पहला ऑर्डर तो दे दिया है, दूसरा भी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे जितने भी हैं वो लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज मैंने पूरा टोटल कितना किया है। साथ में आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि मिंजी कितनी मिली है और ऑर्डर पे कितना मिला है, सारा जो है आज इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल अभी हम आ चुके हैं मोती झील की तरफ, तो सोचा आप लोगों को कुछ बहुत दिखा देते हैं। तो ये जो कारगिल पार्क वाला है, सामने वाला रोड है, और ये आप देख सकते हो इधर पे ओपी शर्मा का जहाँ पे जादूगर होता था, ये सामने बिल्डिंग है। थोड़ा मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये है लाला लाजपत भवन। तो यहाँ पे ओपी शर्मा का जादूगर जो है उसका शो होता है। और ये कारगिल पार्क का सामने वाला रोड है, और आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल बंद चल रहा है कोविड की वजह से, और जैसे ही खुलेगा अगर तो मैं अपडेट दे दूंगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ऑर्डर वगैरह तो इधर लगे ही रहते हैं। और अभी हम जो रावतपुर वाला रोड है उस पे चलेंगे, थोड़ा मेट्रो का भी आपको दिखा देंगे कि कैसा क्या है, कहाँ तक पहुँच गई है मेट्रो। तो अगर आप राइट हैंड साइड पर जाते हो तो आपको दूसरा जो रोड है तो उस साइड पर पहुँच जाओगे। और ये देख सकते हो, ये यहाँ पे सामने राजीव वाटिका है, ये सामने आप देख सकते हो। टिकट घर इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये देख सकते हो ये लिखा हुआ है कारगिल पार्क, और 5 रुपये एक टिकट है यहाँ की। तो आप जब खुल जाएगा तो आप घूमने अगर आना चाहो तो घूमने आ सकते हो। और यहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी है, अगर आप को शायद दिख रही होगी, तो ये है स्वामी विवेकानंद स्मारक। ये आगे कुछ मूर्ति बनी हुई है, ये आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा पार्क है और काफ़ी मज़ा भी आता है। और ये कुछ पूरा व्यू वगैरह है यहाँ का। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेट्रो का काम अब देख सकते हो कि चालू है, काफ़ी हद तक पूरा भी हो आया है। और जैसा कि जो मोती झील है उसके आगे तक का हो आया है काम, और पीछे रावतपुर का भी हो गया है। मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी जब पिछला वीडियो बनाया था रावतपुर की तरफ का, तो वहाँ पे मेट्रो का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। और ये यहाँ पे मोती झील के थोड़ा आगे चलने तक ये जो काम है ये हो चुका है, और आगे अभी होना बाकी है क्योंकि बीच में अभी काम नहीं हुआ है। गुमटी की तरफ जाने पर अभी काम पूरा बाकी है। दोस्तों, फ़िलहाल अभी मोती झील के आगे तक तो काम हो चुका है, और कोविड की वजह से थोड़ा जो काम है वो प्रभावित तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। और रावतपुर अगर किसी दिन चक्कर लगता है तो दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना काम हो गया है उधर भी। और यहाँ पे मोती झील के करीब 1 किलोमीटर आगे तक का जो है वो काम हो गया है। तो समझ लीजिए मोती झील से आगे ईदगाह चौरा ऐसा पड़ता है, तो वहाँ तक जो है ये काम जो है हो चुका है, और अभी भी काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, आगे की तरफ प्रोग्रेस पे है काम। और आशा करते हैं कि साल के लास्ट तक जो काम है वो पूरी तरह से ओके हो जाए और जो मेट्रो है कानपुर की 2022 में रन हो जाए। तो ये देख सकते हो, ये यहाँ तक काम हो चुका है, लास्ट होने वाला है। तो ये है, और यहाँ पे ये
आर नगर पड़ता है यहीं से साइड पे 500 मीटर की दूरी पे, और ये शायद ईदगाह चौराहा इसको बोलते हैं। ये देख सकते हो आप, अगर आप लोग यहाँ पे रहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल यहाँ तक का जो है वो काम हो चुका है, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि कल आंधी और तूफान आने की वजह से मैंने जल्दी काम बंद कर दिया था, और चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अर्निंग कितनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि अर्निंग कितनी होती है एक दिन में साइकिल से जोमेटो पर काम करने के लिए। तो चलते हैं अपने मोबाइल पे और दिखाते हैं कि कितनी अर्निंग होती है। तो दोस्तों, अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और हम अपने ऐप को जो है ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से खुल जाएगा, और चलना है हमको पे आउट पे, और पे आउट पे ये वीकली पे जाके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो 12 तारीख को मेरा 514 का काम हुआ है, और 11 तारीख को 600 रुपये का। कल 12 तारीख था तो कल आंधी वगैरह हो गया, इसकी वजह से मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, और ये कुछ इस तरह से है दो दिन का। सोमवार को मैंने छुट्टी किया था। अगर आपको पहले का देखना हो तो पहले का आप देख कर ऊपर से क्लिक करके आप पहले का भी देख सकते हो। मैंने पिछले दो दिन का आपको दिखा दिया है, ये इस हफ्ते का है, और ये कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि कल बारिश हो रहा था तो उसका अलग से रुपया मिलता है, 15 रुपये पर ऑर्डर, 10 रुपये पर ऑर्डर ऐसा। और डेली का आपको दिखा देता हूँ, 12 रुपये 12 तारीख को, तो 12 तारीख को ये देख सकते हो आप मेरा 513 रुपये का काम हुआ है। और ये यहाँ पे कस्टमर टिप 20 रुपये, सर्जे पे ये सब दिया रहता है किस चीज़ का आपको कितना रुपया मिला है। इसी तरह आपको 11 तारीख को भी दिखा देता हूँ, ये 11 तारीख को आप देख सकते हो मेरा जो है काम 600 रुपये का हुआ है, और कुछ इस तरह से ये है आपका जो लॉगिन आवर्स और जो सब मिला के पूरा 600 रुपये का काम हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो रियल है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि इतने तक अर्निंग हो जाती है। और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।